वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो मिक्सर का जो आर्म होता है उसके नीचे एक एंगल लगता है। जो एंगल लगता है यदि वो ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो उसको किस प्रकार से सही करें या दूसरा किस प्रकार से लगाएं, लगाने का क्या प्रोसेस होता है, तो उस एंगल के बारे में बात करेंगे। और एंगल या तो टूट जाता है या तो फिर वो उसमें जो सावल है उसका खराब हो जाता है। खराब होने के बाद वो ऐसे यदि चला दें तो कट जाता है। कटने के बाद तो उसको चेंज करना पड़ता है, या तो स्विंग से परचेज करके चेंज कीजिए और या तो उसको एंगल का बनाइए। लेकिन जो बनाया हुआ होता है उसमें स्लॉट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है और उसके बैक साइड के जो वाशर होते हैं वो सही से सेट नहीं होते हैं। तो हमने एक दो पीस मंगाया था जो अपने यहाँ पे ख़राब था, तो उसको किस प्रकार से चेंज किए यदि आपको जानना है तो आप हमारे साथ एक वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। और तो आइए वीडियो पे चलते हैं, आपको हम उसको दिखाते हैं उसको हमने किस प्रकार से चेंज किया। तो यहाँ पे हमको नया इसमें एंगल वेल्ड करके लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि हमको आर्म निकालना है। आर्म क्यों निकालना है, देखिए अभी नीचे साइड में इसको कटिंग करके ग्राइंडिंग करके जो एज है वो फ्रेश करना है। तो उसके लिए सबसे वही प्रोसेस है कि आपको आर्म खोल के बाहर निकाल लीजिए और आर्म खोलना लगाना दोनों को ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आर्म किस तरह से लगाना है, जाम है तो कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऊपर का एज है उसमें एंगल पुराना लगा हुआ है, तो उसको अभी कटिंग करके ग्राइंडिंग करके पूरा फ्रेश करके और यहाँ पे दोबारा से आर्म को लगा लिए हैं पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे और वहाँ पे लाने के बाद इसको सेट कर रहे हैं। अभी इसमें पूरी वेल्डिंग नहीं करेंगे, सिर्फ टेकिंग करके इसका डायरेक्शन चेक करेंगे कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, और उसके बाद इसको अपोजिट साइड में ऊपर की साइड में उठा के वेल्डिंग करेंगे। और यहाँ से वेल्डिंग जब एक राउंड से इसके बाहर बाहर हो जाता है वेल्डिंग, तो इसके नीचे साइड में अभी जिस कंडीशन में इसके नीचे साइड में होल होता है वहाँ से भी वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको उल्टा करके, क्योंकि यहाँ से ये इसका किसी तरह से ये घिसेगा नहीं और स्ट्रेंथ पूरा मिलेगा। बाहर का क्या है, बाहर बहुत जल्दी घिसता है कॉन्क्रीट में, तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि ऐसे जनरली इसको बना के लगाते हैं तो इसका जो अभी आप होल देख रहे होंगे तो ये जो स्लॉट है ये प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर वाशर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाशर जो प्रॉपर होल नहीं होता है तो वाशर डैमेज होता है, जिसकी वजह से लूज होता है, लूज होके खुल जाता है। तो ये मेंटेनेंस हम लोग कर ही रहे थे कि उसी समय बारिश भी स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा काम था तो ये हुआ कि जैसे तैसे इसको ख़त्म कर लेना है, तो ये बारिश में भी इसका काम हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और बाकी प्लांट एरिया आप देख सकते हैं कितना है। हाँ ये ज़रूर है कि ये थोड़ा जो वीडियो है हमारे पास कुछ महीने पहले का है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को जो जानकारी है वो देर से मिलेगी लेकिन सब जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन जो आर्म वेल्डिंग एंगल वेल्डिंग के बारे में तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।